हाय फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल टेक हिंदी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत की नंबर एक एलईडी निर्माता कंपनी एमआई ने अपने टीवीओ की श्रृंखला में तीन और मॉडल्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि एक मॉडल है एमआई एलईडी टीवी 4 Pro 55, दूसरा मॉडल उन्होंने लॉन्च किया है एमआई एलईडी टीवी 4A Pro 49, और तीसरा मॉडल उन्होंने लॉन्च किया है एमआई एलईडी टीवी 4C 32। मतलब जो तीन मॉडल्स उन्होंने लॉन्च किया है उसमें 55 इंच की एक टीवी है, एक टीवी 49 इंच की टीवी है, और तीसरा जो टीवी है उनका वो है 32 इंच की टीवी है। तो दोस्तों, इसके डिटेल्स के बारे में और फुल स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको सारा डिटेल अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे एक जगह ये सारे मोटे डिटेल्स इस टीवी की दे दी गई है। आप देख सकते हैं ये 7 लाख घंटे का कंटेंट एक्सेस करने के लिए हमको देता है। साथ ही साथ ये फुल एचडी एलईडी टीवी डिस्प्ले के साथ है। 20 वाट की स्टीरियो स्पीकर है। इसका अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम पैचवाल है उसके साथ ये काम करता है। एंड्रॉयड टीवी है, गूगल वॉइस सर्च है और मल्टीपल पोर्ट्स इसके अंदर हैं। तो चलिए डिटेल्स इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लिया जाए। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, तो ये फुल एचडी एचडीआर टीवी है। मतलब इसका जो रिजोल्यूशन है ये है 1920x1080। ये फुल एचडी टीवी है और इसमें एचडीआर है, हाई डायनेमिक रेंज को ये सपोर्ट करता है। एचडीआर का मतलब है कि एचडीआर में एक ही टाइम पे कुछ पिक्चर्स ले लिए जाते हैं और उनका एक एवरेज पिक्चर बना के हमारे सामने पेश किया जाता है, जिसके कारण होता ये है कि हम लोगों के सामने परफेक्ट पिक्चर देखने को मिलता है। इसका व्यू एंगल जो है वो है 178 डिग्री का, और रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज, और रिस्पॉन्स टाइम है 6.5 मिली सेकेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ये डिस्प्ले इन्होंने दिखाया है। कुछ जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में है जो नॉर्मल फुल एचडी टीवी आप में डिस्प्ले देखेंगे, और जो एफ फुल एचडी एचडीआर के साथ इस टीवी में देखेंगे, दोनों में क्या अंतर हो सकता है ये इस इमेज के साथ इन्होंने समझाने की कोशिश की है। कुछ ये इमेज है जिसको दिखाकर ये समझाने की कोशिश किया है कि विविड कलर इसमें मिलेगा, इनहेंस ब्राइटनेस मिलेगा और हर डिटेल इसमें देखने को मिलेगा। मतलब हर पिक्सल क्लियर क्लियर आपको दिखेगा जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं इनके जो इमेजेज हैं उसके, ये भी है देख सकते हैं आप। अब अगर इसके स्पीकर की बात करें दोस्तों, तो इसमें दो स्पीकर्स लगे हुए हैं और ये डीटीएस एचडी को सपोर्ट करता है। दो स्पीकर्स जो है 10-10 वाट के हैं, तो ठीक ठाक साउंड इससे आउटपुट मिल जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक एक्सटर्नल जो साउंड सिस्टम खरीद लेनी चाहिए, ब्लूटूथ जिसमें इनेबल्ड हो या जैसा भी हो, मतलब एक्सटर्नल आप खरीद लें और इसमें कनेक्ट कर दें, तो और अच्छे साउंड क्वालिटी का आप मज़ा ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक एक्सटर्नल आपको ले लेनी चाहिए। 10 वाट का इनबिल्ट है, काम चल जाएगा इससे। अब इसमें दिया जा रहा है 7 लाख+ आवर्स का कंटेंट, जिसको आप एक्सेस करके एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन सभी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी, जो कि ब्रॉडबैंड होनी चाहिए। आपको इंटरनेट कनेक्शन के साथ इस टीवी को अगर कनेक्ट करते तभी इसके फुल फीचर का यूज कर पाएंगे। अब ये कुछ इनबिल्ट इसके ऐप्स हैं जिसमें आप सारे इंटरटेनमेंट कंटेंट पा सकते हैं, जैसा कि इसमें है G5 है, ऑल्ट बालाजी है, एरोज नाउ है, हंगामा प्ले है, सन नेक्स्ट है, होम ऑफ बॉलीवुड है, TVF है, व्यू है, एपिक है और फ्लिक हिस्ट्री है। तो इसमें कुछ कमी हमें नज़र आ रही है, एक तो अमेजोन प्राइम और दूसरा नेटफ्लिक्स। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है अमेजोन प्राइम तो इसमें कुछ दिनों के बाद आ जाएगा, लेकिन नेटफ्लिक्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। और जैसा कि हम लोग देखा जा रहा है, भारत में नेटफ्लिक्स बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरटेनमेंट कंटेंट मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें नेटफ्लिक्स होना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है दोस्तों। अब इसका अपना जो पैच वाल है,
खुद का जिससे हम लोग इंटरफेस कर पाते हैं इस टीवी को, वो है जो कि बहुत ही अच्छा पैच वाला है। और जो इससे ये जो मॉडल्स अभी तीन लॉन्च हुए हैं, इसके पहले जो ये टीवी है इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे सामने केवल पैच वाल ही हुआ करता था, लेकिन ये जो मॉडल है इसमें पैच वाल के अलावा इन्होंने गूगल सपोर्ट भी ऐड कर दिया। मतलब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ये टीवी सपोर्ट करता है, जिसके चलते हो ये रहा है कि इस टीवी का खूबियाँ कई गुना बढ़ गई है और हम लोग बहुत सारे चीज कंटेंट्स और बहुत सारे फीचर्स को अब एक्सेस कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। अब पैच वाल के जरिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पैच वाल जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है, मतलब आप जो भी प्रोग्राम देखते हैं उसको ये पैच वाल ट्रैक करता है और उस ट्रैकिंग के आधार पर आपको सजेस्ट करता है आगे आने वाले, आगे मतलब आपके हिसाब से कंटेंट आपको सजेस्ट करता है कि आप देखिए। और आप इसमें यूनिवर्सल सर्च को भी ये सजेस्ट करता है किसी भी कंटेंट को सर्च करने के लिए, जो कि आपको बहुत ही आसानी प्रदान करता है कंटेंट को सर्च करने में। साथ ही साथ अब गूगल वॉइस इसके साथ आ जाने से हो ये रहा है कि अब जो ये रिमोट है इसमें गूगल वॉइस सपोर्ट है और आप अपने वॉइस से कुछ भी बोल के, जैसे इसमें दिखाया गया है प्ले नागिन, तो प्ले नागिन बोलने के साथ ही वो ये जो टीवी है ये नागिन जो सीरियल है उसको प्ले कर देगा। तो आप गूगल वॉइस सपोर्ट का यूज करके इस टीवी को बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे। अब ये रिमोट के बारे में बताया जा रहा है कि एक ही रिमोट से आप सेट टॉप बॉक्स और जो स्मार्ट टीवी है दोनों को ऑपरेट कर पाएंगे। ये भी बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि एक से ज़्यादा रिमोट को हाथ में लेकर यूज करना बहुत ही टीडियस और झंझट वाला काम लगता है, तो अगर एक ही रिमोट से दोनों काम हमारा हो जाए सेट टॉप बॉक्स और टीवी का, तो ये बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही सहूलियत हो जाती है हम लोगों को। और आप साथ ही साथ स्मार्ट टीवी होने के कारण आप अपने जो मोबाइल है उसका मिररिंग टीवी में कर पाएंगे, मतलब जो भी कंटेंट आप मोबाइल में देख रहे हैं और चाहते हैं बड़े स्क्रीन पे इसको देखना, तो आप इसका मिररिंग इस टीवी पे कर पाएंगे। और जो वीडियो या पिक्चर जो कुछ भी मोबाइल के डिस्प्ले में चल रहा है वो आप अपने टीवी पे देख पाएंगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अब जो नया इस ये जो तीन मॉडल्स हैं जो नए मॉडल्स के साथ आया है वो है एंड्रॉयड, मतलब अब ये टीवी एंड्रॉयड टीवी हो गया है। पैच वाल तो था ही, अब एंड्रॉयड हो गया। उसमें आपको गूगल वॉइस सर्च मिल जाएगा, यूट्यूब मिल जाएगा, गूगल प्ले मिल जाएगा। गूगल प्ले से होगा क्या कि और भी जो ऐप्स हैं वो आप इसमें इंस्टॉल कर पाएंगे, और क्रोम कास्ट इन बिल्ट है एंड्रॉयड टीवी होने के कारण, और क्रोम कास्ट के जो भी फीचर्स हैं आप इसमें बाई डिफॉल्ट यूज कर पाएंगे, आपको अलग से क्रोम कास्ट इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये जो फीचर आया उससे बहुत ही खुश हूँ और ये टीवी बहुत ही अच्छा हो गया। बस अफसोस उन लोगों के लिए है जो इनसे पहले वाला जो टीवी उन्होंने खरीदा है उसमें एंड्रॉयड सपोर्ट नहीं करता और ये फीचर उसमें नहीं मिलते, तो जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए सही है, अब वो एंड्रॉयड के साथ अब टीवी ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इनके हार्डवेयर के बारे में, जो इनके प्रोसेसर्स वगैरह हैं। तो इसमें 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसका रैम है 2 GB और इंटरनल जो स्टोरेज है इसका 8 GB का स्टोरेज दिया गया है। और इसमें मल्टीपल पोर्ट्स हैं और ब्लूटूथ एंड वाईफाई को ये सपोर्ट करता है, तो हम लोग पोर्ट्स वगैरह के बारे में आगे देखेंगे। इसमें ये जैसा कि प्रोसेसर इसमें दिखाया गया है 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर, 2 GB रैम और 8 GB स्टोरेज, पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं फिर से। और बहुत ही हाई फीचर और आसानी से यह टीवी चलाने में हेल्प करता है आपका। अब इस टीवी के जो पोर्ट्स है उसके बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। इसमें जो है HDMI के 3 पोर्ट्स दिए गए हैं, USB के 2 पोर्ट्स हैं, ईथरनेट पोर्ट और ब्लूटूथ और वाईफाई है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो नेटवर्क का पोर्ट है ईथरनेट पोर्ट, उसमें आप लैन वायर से कनेक्ट करके आप इंटरनेट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और सारे जो इसके स्मार्ट फीचर है उसका यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो हमारा AV केबल आता था एक वीडियो के लिए और दो ऑडियो के लिए जो पुराने टीवीओं में होता था वो है इसमें, आप इसका भी यूज करके इसमें वीडियो और ऑडियो को कनेक्ट कंटेंट को प्ले कर पाएंगे। साथ ही साथ HDMI की अगर बात करें तो इसमें 3 HDMI पोर्ट है, जिसमें कि एक HDMI जो है
ARC के साथ है, मतलब ऑडियो रिटर्न चैनल है, मतलब आप किसी होम थिएटर से इस टीवी को कनेक्ट करके अगर वीडियो प्ले करते हैं और आप चाहते हैं कि इस टीवी का जो ये ऑडियो है वो होम थिएटर में भी प्ले हो जाए, तो आपको अलग से केबल कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ARC ऑडियो रिटर्न चैनल फीचर होने के कारण जो ऑडियो आप प्ले करना चाहते हैं वो उसी केबल के थ्रू होम थिएटर में वो बज जाता है, प्ले हो जाता है, जो कि अच्छा फीचर है। केबल के झंझट से हम लोग बच जाते हैं। और दो जो है नॉर्मल HDMI पोर्ट्स इसमें दिए गए हैं, इसमें दो USB पोर्ट्स दिए गए हैं, 2.0 है ये, और एंटीना के लिए RF पोर्ट दिया गया है, जिसमें आप नॉर्मल जो यागी एंटीना होता था उसको भी यहाँ कनेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया गया है। और साथ ही साथ होम थिएटर में कनेक्ट करने के लिए SPDIF पोर्ट दिया गया है, जो कि ऑप्टिकल पोर्ट होता है, जिसमें एक ही केबल से आप 5.1 या 7.1 साउंड सिस्टम को प्ले कर पाते हैं। साथ ही साथ ब्लूटूथ भी दे दिया गया है 4.2, जिससे आप स्पीकर से या जो रिमोट है उसको कनेक्ट करके यूज कर पाते हैं। वाईफाई भी दिया गया है, जिसके जरिए आप वाईफाई के जरिए भी इंटरनेट कनेक्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ ये जो नेटवर्क पोर्ट है उसके जरिए भी आप नेट कनेक्ट कर पाते हैं, और इसके जो स्मार्ट फीचर्स हैं उसको यूज कर पाते हैं। तो ये जो टीवी है इसको आप टेबल पे भी रख सकते हैं, जैसा कि डायग्रामेटिकली और ये इमेज के जरिए दिखाया गया है, ये टेबल पे दिखाया गया। दूसरा ये है, तो दो तीन तरीके से दिखाया, आप इसको वॉल माउंट भी करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। वॉल माउंट दिखाया गया है कैसे किया गया है इसको। अब इसके अगर डायमेंशन की अगर बात कर लें तो इसका लेंथ है 1099 mm और हाइट है इसका 639.8 mm। अगर हाइट की बात करें इंक्लूडिंग बेस, तो इसका हाइट हो जाएगा 694.3 mm, और जो बेस विड्थ है ये है 271.9 mm। अगर वेट की बात करें तो विदाउट बेस का इसका वेट है 10.8 kg, और जब इसका बेस जो है ये बेस इसको अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो इसका वेट हो जाता है 10.9 kg। तो दोस्तों अब इसके अगर जब आप घर पे इसको मंगवाएंगे और आप जब डब्बा खोलेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा वो देखिए। पैकिंग में एक मॉनिटर मिलेगा आपको, दो बेस मिल जाएंगे, साथ ही साथ एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा, यूजर मैनुअल मिलेगा, और 5 स्क्रू इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपके बॉक्स के अंदर मिलेंगी। अब आप बात करेंगे कि ये जो टीवी है ये मिलेगा कब हमको, तो दोस्तों टीवी तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन जो सेल के लिए अवेलेबल होगा ये होगा 9 अक्टूबर को 9 बजे रात से आप इसको खरीद पाएंगे। लेकिन ये जो MI की जो टीवियाँ होती है ये फ्लैश सेल में आती है, तो आपको 9 बजे ही, एग्जैक्ट 9 बजे से 5 मिनट पहले ही इवन लॉग इन कर ले तभी आपको ये टीवी मिल पाएगा, नहीं तो ये विद इन 5 मिनट से पहले ही ये खत्म हो जाएगा। तो हमें अगर आपको ये टीवी इस फेस्टिव सीजन में लेना है तो आप क्या करिए, 9 अक्टूबर को 9 बजे रात में थोड़ी देर पहले ही लॉग इन करके बैठ जाइए, ताकि आपको ये टीवी मिल सके और आप इसको खरीद पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये जो टीवी है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और इसके स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर्स क्या क्या हैं आपको समझ में आ गया होगा, और आप डिसाइड कर पा रहे होंगे कि ये टीवी मेरे हिसाब से लेने लायक है या नहीं। तो मेरा जो ओपिनियन है इस टीवी के बारे में, तो ये टीवी ना तो बहुत ही बड़ा है 55 इंच की तरह, ये ना तो 42 इंच या 43 इंच की तरह छोटा है, लेकिन आपको अगर मीडियम रेंज का टीवी चाहिए 49 इंच की, तो आप इसको तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये जो 49 इंच की टीवी है ये फुल HD तो है ही, साथ ही साथ ये इसका साइज भी ठीक ठाक है, एक अच्छे हॉल में ये अच्छा फिट हो जाएगा और आप देख पाएंगे। 55 इंच तो खैर बहुत बड़ा हो जाता है, अगर आपका मीडियम टाइप का रूम है तो आप इस टीवी की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों मैं आगे आने वाले दिनों में MI LED TV 4C Pro 32, जो 32 इंच वाली टीवी है, उसके बारे में डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन बताऊंगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो नीचे लाइक बटन है उसमें लाइक बटन को प्रेस कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि वो भी इस फेस्टिव सीजन में कुछ डिसाइड कर पाए इस टीवी के बारे में। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स है उसमें कॉमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। साथ में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करें ही साथ
बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो आगे अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।